हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउस ऑफ नंबर्स। जैसे हमारा हाउस होता है और हमारे हाउस का नेम होता है, उसी टाइप से नंबर्स के भी हाउस होते हैं और उनके नेम होते हैं। तो चलिए पहले नंबर्स के हाउस बनाते हैं। ये बन गया आपका नंबर्स का हाउस, ठीक है। अब जितने भी हाउस हैं उनका हम नेम दे देते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये मैं इसको किनारे लिख देती हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। अब एग्जाम्पल कोई नंबर ले लेते हैं, टू जीरो, टू एट, थ्री फोर, ठीक है। अब इस नंबर को इस साइड से इस हाउस में पुट करते जाते हैं। जैसे फोर को वंस के हाउस में, थ्री को टेंस में, एट को हंड्रेड में और टू को थाउजेंड में, ठीक है। अब इसको हम लोग इजिली स्पेल करेंगे, टू थाउजेंड, एट हंड्रेड, थ्री टेंस, फोर वंस, नहीं, इसको स्पेल करेंगे दोनों को कंबाइन करके, टू थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी फोर, ओके, टू थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी फोर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, फोर जीरो एट वन। अब इस नंबर को भी इसके हाउस में पुट करेंगे, वन को यहाँ, एट को टेंस में, जीरो को हंड्रेड में, फोर को थाउजेंड में। अब इसको कैसे स्पेल करेंगे, फोर थाउजेंड एट्टी वन, ये जीरो है हंड्रेड में तो इसको स्पेल नहीं करना है, ठीक है। तो फोर थाउजेंड एट्टी वन। आई होप आपको समझ में आया होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, हाउस ऑफ नंबर्स, कि हम नंबर्स के हाउस में कैसे पुट करते हैं और उसको स्पेल कैसे करते हैं। अब आप अपने घर पे इसको ट्राई कीजिए, और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।